मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर मंत्रा आयरस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल पे विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मंत्रा आयरस डिवाइस नॉट कनेक्टेड का आपके पास में कोई एरर आ रहा है या फिर आप जब मंत्रा आयरस किसी का आई कैप्चर करते हो तो वहां पर बॉक्स दिखाई नहीं देता है, मतलब आंख दिखाई नहीं देता है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। यानी मंत्रा हमारी काम तो कर रही है लेकिन आंख नहीं दिखाई दे रही है, या फिर अपने सिस्टम के अंदर मंत्रा काम करते करते बंद हो गई फिर काम नहीं कर रही है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर आयरस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो हमारा बॉक्स दिख रहा है, जो यहाँ पर हमारी आई है वो स्कैन होती है, वो इस तरीके से अगर बॉक्स नहीं दिख रहा है तो इसका क्या सॉल्यूशन है। तो इसका सिंपल दो स्टेप है। पहला स्टेप, अगर आप अपने सिस्टम से यूएसबी को निकाल करके वापस लगाओगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको अपने सिस्टम के अंदर सर्च बार के अंदर सर्च करना है SER। SER लिखोगे तो इस प्रकार से सर्विस लिखा हुआ आएगा। आप यहाँ पर सर्विस पे क्लिक करोगे तो आपका सर्विस बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप कहीं भी बीच में क्लिक करोगे, कीबोर्ड से M प्रेस करोगे, उसके बाद में यहाँ पर मंत्रा MIS 100V2 लिखा हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर RD सर्विस है, इसको रीस्टार्ट कर दोगे। जैसे ही आप RD सर्विस को रीस्टार्ट करोगे तो वापस आपकी मंत्रा की जो RD सर्विस है वो रीस्टार्ट हो जाएगी, सर्वर से वापस कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में आप वापस अपने किसी भी काम के अंदर मंत्रा आयरस डिवाइस को यूज करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी डिवाइस है बिल्कुल वर्किंग में हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेडी टू यूज आ गया है। इसके बाद में आप अपने सिस्टम के अंदर मंत्रा आयरस डिवाइस को यूज कर सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको मंत्रा डिवाइस को परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।